गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने एक्सेल कंप्लीट कर लिया था, पर ये दो चीजें रह गई जो पेंडिंग में रही है, जैसे लोन शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल में, और डाटाबेस के फॉर्मूला। ठीक है, आज हम वो करेंगे। ओके, जैसे लोन शीट में देखिए, किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, रेट 2% लगा, ईयर अगले 4 साल तक का उसको वक्त दिया, और इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट, मतलब वो कह रहे हर महीने पैसे देगा, पर मैं हर महीने के हिसाब से नहीं, साल के हिसाब से कर रहा हूँ आपको, हर महीने के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं, सेम तरीके से करते हैं जो होता है। उससे पहले हम इंस्टॉलमेंट निकालेंगे कि कितनी इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है ना, जैसे 1 लाख रुपए का लोन लिया तो हर साल में कितने देने पड़ेंगे उसको, किस्त हर साल कितनी किस्त होगी उसकी, तो PMT निकालेंगे। इज इक्वल टू PMT रेट एन पर ईयर होता हमारा, कोमा माइनस प्रेजेंट वैल्यू है जो 1 लाख लोन लिए, शिफ्ट के साथ 0 ब्रैकेट 1। तो ये आपके पास PMT निकल चुका है, जो उसको अगले 4 साल तक हर साल इतनी देनी पड़ेगी। ओके, तो हम लोन शीट में आते आगे। ये जैसे हमारे पास दे रखा है PMT नंबर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा हमारा, 1 लाख, 1 लाख रुपए का लोन लिया जो, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या करना है, इज इक्वल टू करके मैं सिर्फ अमाउंट सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, आपके पास वो आ जाएगी। ओके, फिर इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट भी इस पे लगेगा, इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 2%, ये इंटरेस्ट लग चुका आपके पास। इंस्टॉलमेंट क्या है, जो ऊपर हमने PMT निकाली, इज इक्वल टू PMT के सिलेक्ट करें एंटर। इंस्टॉलमेंट हमेशा सेम रहती है, तो अगले 4 साल तक ये सेम ही रहेगी। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, जैसे कि ये 1,02,000 रुपया, हमने इसमें से 26,000 ये कुछ दे दिया है, तो बाकी कितना रह गया वो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू सिंपल प्लस माइनस ही होती है, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट तो दे दी ना हमने, ये तो माइनस होगी वो उसमें से, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो अगले साल दूसरे साल ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस सेलेक्ट करेंगे एंटर। अब रेट भी इसी पर ही लगेगा, 1 लाख पे नहीं लगेगा, जितने बचे होते हैं, जितना अमाउंट रह जाता है उस पे ही परसेंटेज लगता है लोन अमाउंट और किस्त में। जब भी हम किस्तें देते हैं ना, तो जितना बैलेंस रहता है उन्हीं उसी पे ही परसेंटेज लगता रहता है, जितना परसेंटेज उन्होंने बताया होता है कितना परसेंट लगेगा। ठीक है, इतना इंटरेस्ट लगेगा। ओके, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस इंटू 2%, एंटर। इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, इज इक्वल टू ये सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। सेम प्रोसीजर यूज होगा फिर क्लोजिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, फिर ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाए क्लोजिंग से अगले साल। ठीक है, इंटरेस्ट फिर इसी पे लगेगा 2%, ये इनटू 2%, इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, क्लोजिंग बैलेंस सेम प्रोसीजर, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। अब लास्ट ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी इसी पे लगेगा, जैसे बाकी पे लगता है, इंस्टॉलमेंट सेम ही रहेगी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। अब ये 0 बैलेंस बच चुका है, मतलब आपकी लोन शीट बिल्कुल परफेक्ट है। जब हमने लास्ट आखिरी साल में जो आखिरी अमाउंट है वो दे दिया हमने, उसके बाद बैलेंस 0 ही बचना चाहिए ना, और किस्त नहीं देनी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी लोन शीट पूरी बिल्कुल सही है। ओके, अगर लास्ट में आपके पास यहाँ 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लोन शीट में कोई गलती नहीं है। ओके, ये थी हमारे साल वाले। अब करता हूँ मैं महीने वाली करता हूँ।
ये कर लिया हमने, ठीक है। पीएमटी मैं ये निकाल देता हूँ, पीएमटी मंथली निकालूंगा क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं ना, वहां पे 12 इंस्टॉलमेंट करने, तो मंथली होगी, ठीक है। ओके, तो इज इक्वल टू पीएमटी, ठीक है। उसके बाद रेट, रेट लेंगे, रेट के साथ डिवाइड होगा 12, ठीक है, कॉमा ईयर, ईयर के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, कॉमा माइनस प्रेजेंट वैल्यू, शिफ्ट के साथ 0, ब्रैकेट क्लोज, एंड। तो हर महीने 2000 रुपये, ठीक है, 2100 रुपये हमारी किस्त जाएगी, किस्त। पीएमटी नंबर हो गए, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगी, और क्लोजिंग बैलेंस। वही चीजें अपनानी है, क्या करना है आपको, 1 लाख ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 लाख, इंटरेस्ट इस पर इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 2% इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ये 2000, क्लोजिंग बैलेंस सेम प्रोसीजर यूज होता है 12 महीने तक, ठीक है, 1 साल में जैसे 12 महीने तक हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, जो लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, तो अगले चार साल तक है ना, 1 साल में फर्स्ट ईयर में आपका 12th में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, सेकंड ईयर में वो आपको ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर ये ऐसे ही चलती रहेगी, हर महीने की किस्त कटती रहेगी, फिर जो सेकंड ईयर के जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होगा, थर्ड ईयर के ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ऐसे बनती है महीने की, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे जाती है। ओके, ठीक है, ये वो होता है, इतना समझा, ठीक है। आगे चलते हैं हम डाटाबेस के फॉर्मूलाज। ओके, डाटाबेस के फॉर्मूलाज, अब हम पहले तो हम टेबल्स में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पर आप आपको टेबल को देख के साइड में फॉर्मूलाज लगा लें डाटाबेस के भी उस पे, ठीक है, डाटा के बेसिस पर फॉर्मूला अप्लाई होंगे। ओके, ये हमारे पास डाटा पढ़ूंगा, नीचे कुछ कंडीशन दी है, ठीक है। तो डाटाबेस के फॉर्मूले डीमैक्स, इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हेडिंग्स जो हैं उसको कॉपी करते हैं और साइड में पेश। उसके बाद यहाँ हम क्राइटेरिया देंगे कि फर्स्ट कंडीशन देखें, फाइंड आउट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंटर, प्रोडक्ट कौन सा, प्रिंटर, प्रिंटर ऑफ सोनी ब्रांड, ब्रांड कौन सा, सोनी, ठीक है। अब हम नीचे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू डी एम एक्स मैक्स, डी मैक्स डाटाबेस क्या है ना, इसलिए डी लगा डाटा, इसे बोला डाटाबेस सेलेक्ट करो, डाटाबेस मतलब सीरियल नंबर से लेके पूरा का पूरा ये टेबल जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कॉमा फील्ड, फील्ड आपको चेक करनी है, ठीक है, मैक्सिमम फाइंड आउट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंटर, लार्जेस्ट वैल्यू, वैल्यू हमारी टोटल में दी होगी, तो फील्ड के सिर्फ हेडिंग हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल के सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, फील्ड में हमेशा सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया जो हमने ये दिया इस बेसिस पे हमने निकालना है रिजल्ट, क्राइटेरिया हमारा ये हो जाता है। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करता हूँ, 75,000 प्रिंटर की, सोनी ब्रांड की। अब चलते हैं यहाँ, ये सोनी ब्रांड का आप देख सकते हैं, सोनी ब्रांड का कितने 75,000 मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा था, हाईएस्ट वैल्यू का। एक और ब्रांड है सोनी का यहाँ पे, ये इसके 40,000। ओके, ठीक है, तो ये हो गया डीमैक्स का फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा डी मिनी का लगता है,
कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। कंडीशन देखेंगे, फाइंड आउट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कीबोर्ड ऑफ सैमसंग ब्रांड। तो कीबोर्ड की करनी है, कीबोर्ड ये हम क्राइटेरिया देते हैं, इस बेसिस पर हमें रिजल्ट चाहिए। ओके, ब्रांड सैमसंग जिसे हमारे गांव में सैमसंग बोलते हैं, ठीक है, नाम है एक व्यक्ति का सैमसंग, बहुत ही मशहूर व्यक्ति है, जिस तरह सैमसंग के फोन मशहूर है, ठीक है। ये कर लिया हमने, क्राइटेरिया दे दिया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नीचे साइड में, इज इक्वल टू डी मीन। सेम तरीके से डाटाबेस, डाटाबेस में पूरा टेबल आ जाएगा, कॉमा, फील्ड में सिर्फ हेडिंग लेंगे, टोटल वैल्यू, वैल्यू हमारी टोटल की होती है, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस के करके फिर वैल्यू आती है ना हमारी, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया, ये वाला समय सिंह का, ठीक है ना, कीबोर्ड शिफ्ट के साथ जीरो, एंटर, ये जीरो क्यों आया भाई, डाटाबेस सैमसंग के स्पेलिंग गलत है इसलिए आंसर नहीं आया, ठीक है, एन लगेगा यहाँ पे, एंटर करता हूँ तो आपके पास आ गया, मिनिमम वैल्यू आ चुकी है सैमसंग प्रोडक्ट की, कीबोर्ड की सैमसंग की 45,000 सैमसंग का ये रहा है कीबोर्ड, और एक ये कीबोर्ड रहा जो है 24,00,000 रुपये, ठीक है, 2,40,000 रुपये, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है डी सम का, डी सम का भी सेम तरीके से होगा, क्या करना है आपको, दोबारा आपको कॉपी करनी है हेडिंग्स, साइड में पेस्ट कर देंगे, फिर प्रोडक्ट का नाम लिखो जो लिखा हो, फिर ब्रांड का, ठीक है। फाइंड आउट टोटल क्वांटिटी ऑफ मॉनिटर, अब टोटल क्वांटिटी ऑफ मॉनिटर की पता करनी, प्रोडक्ट मॉनिटर, ठीक है, ब्रांड एलजी, एलजी ब्रांड, अब सम लगाए, फॉर्मूला है इज इक्वल टू डी सम, डाटाबेस, ठीक है, फील्ड, अब इसमें पूछा है क्वांटिटी, क्वांटिटी कहां से पता लगी, प्रोडक्ट वाले में, क्योंकि प्रोडक्ट वाले में ही है ना इसके मॉनिटर वगैरह के नेम वगैरह, तो फील्ड में लेंगे प्रोडक्ट, उसमें लार्जेस्ट वैल्यू थी, वैल्यू से पता लगा, तो फील्ड में हमने टोटल लिया था, ठीक है ना, तो फील्ड में हमने प्रोडक्ट ले लिया, कॉमा, क्राइटेरिया, ये हमारा रहा यहाँ पे, ओके, एंटर करता हूँ, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, चलो बाकी कल करेंगे, ठीक है, टाइम हो चुका है, वक्त हो चुका है, ओके, बाय बाय, बाकी के जो तीन कंडीशन रह चुके हैं ये मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, शाम के बैच में करवा दूँ शायद मैं, ओके, दोपहर वाले में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।